मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे देश की डेमोक्रेसी को कहा जाता है, लेकिन पूरे तरीके से यदि आप चुनाव आयोग का व्यवहार इन लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो पूर्णतः पक्षपात रूप में रहा है, इसलिए उसे आभार देने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसका विरोध करता हूं। हमने माननीय चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे थे, देश की सिविल सोसाइटीज ने प्रश्न पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दिया गया। आज तकनीकी युग है और इस तकनीकी युग में जहां सॉफ्टवेयर है वो कमांड देने वाले का आदेश नहीं मानेगा, मशीन सॉफ्टवेयर जो है उसका आदेश मानता है। इन छोटे प्रश्नों के बारे में हमने ईवीएम के बारे में चर्चा करना चाहते थे। कौन जीता कौन हारा इसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है क्या आज के युग में हमारे देश के मदर ऑफ डेमोक्रेसी को, क्या उस लोकतंत्र को एक ईवीएम के भरोसे हम दे सकते हैं? आज के युग में जहां दूर दराज देशों में रहने वाले लोग रिजर्व बैंक को हैक कर लेते हैं, उनकी वेबसाइट को, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लेते हैं, वहां ईवीएम को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। होता है कि नहीं होता ये चर्चा का विषय है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर है ये मेरा अधिकार है, मैं जहां वोट डालू वहां वोट गिरना चाहिए। पार्टी का टाइम खत्म हो चुका के मामले में जो आज एनटीए के अध्यक्ष हैं आपको उनके बारे में अनेक मेरे पास प्रमाण है, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दूंगा। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं नीट के बारे में, क्या आप इस नीट के इम्तिहान 2024 के आप परीक्षा को आप निरस्त करेंगे, हाँ या नहीं? क्या एनटीए के अध्यक्ष जो इसमें शामिल हैं उनको आप बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या नहीं? ये वही व्यक्ति हैं जो 2006 में व्यापम के रचयिता थे और यहां तक पहुंच गए हैं, और साथ में जो नीट की सीबीआई की जांच कर रही है उसमें भी हमको सीबीआई पर भरोसा इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में सीबीआई के अधिकारी जो घोटाला कर रहे थे वही घोटाले में पकड़े गए और वो गिरफ्तार किए गए। थैंक यू। मैं अंत में आपसे इतने कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस देश में भय और आतंक का माहौल बनाया हुआ है,